me in the eyes, and I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ही वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। टुडे आई एम फीलिंग लाइक दिस, यू नो आई रियली रियली वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक दिस विच आई हैव ऑन माई फेस राइट नाउ, बट लुक एट माई लिप्स। This video is going to be very 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 useful for you guys, because आज ना मैं एक foundation आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने बहुत टाइम पहले रिव्यू ऑलरेडी कर लिया था जिस foundation का, but Instagram के ऊपर ये foundation बहुत वायरल है and I think this foundation deserves all the hype, worth all the hype, and this actually looks like Paris filter, real life Paris filter. If you're gonna apply this foundation on your skin, you can see the result in front of you. Like, yeah. तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग तो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, टोनिंग मैं करूँगी स्पेक्ट्रॉनिक टोनर के साथ, विच इज दिस टोनर। दिस इज सो गुड अगर आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो रखी है ना, तो इस वजह से। दिस टोनर कंटेनिंग 6 टाइप्स ऑफ पेप्टाइड एंड 5 types of hyaluronic acid helps moisturize and vitalize your skin. Toner to prep your skin. So basically this is a skin prep thing. ठीक है, इसका जो texture है it's not very like water तो नहीं है, हल्का सा serum जैसा इसका texture है। SNP. I have so many lip glosses. लिप टिंट्स जो मैंने रिसेंटली परचेज किए हैं, यू कैन सी रोमेंट के एंड वेरी फेमस दीज डेज हुडा ब्यूटी का ये फॉर फिलर एक्स्ट्रा शाइन लिप ग्लॉस, दिस इज आउट लुक्स लाइक। एंड चलो सबसे पहले तो मैं ना ये वाला अप्लाई कर लेती हूँ, जूसी लास्टिंग टिंट, मेरे फेवरेट एंड मेरी करंट ऑब्सेशन बन चुके हैं ये रोमेंट के, यू नो टिंट्स, ग्लासी टिंट। न्यू शेड है 02 डार्क कोकोनट शेड में, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सी जूसी लास्टिंग वाटर टेंट, ठीक है, ये जो जूसी टेंट्स है ना काफी हाइड्रेटिंग लगते हैं लिप्स के ऊपर। तो मॉइस्चराइजर के लिए ना आई एम गोना यूज वेरी फेमस जो कि हाई एंड ब्रांड का है और बहुत सेलिब्रिटीज को, बहुत सारे यू नो मेकअप इन्फ्लुएंसर्स को मैंने यूज करते हुए देखा है, विच इज दिस बॉबी ब्राउन का वाइटमिन इनरिच्ड फेस बेस। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यू कैन सी। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है सबसे पहले, एंड दिस स्मेल्स लाइक वेरी फ्रेश एंड आई लाइक दिस मॉइस्चराइजर। सी मैंने इसको इस तरह से इसकी लिड के साथ ले लेती हूँ, इस तरह से। ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, कोई भी स्किन टाइप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज लाइक वन सच प्रोडक्ट, आपको बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फर्दर आपकी स्किन को फाउंडेशन के नीचे, तो ये बहुत ही ब्यूटिफुली वर्क करता है। ये मैंने देखो पूरा बेकार कर लिया यहाँ, इसको दबा दबा के। ओके, सो इफ आई हैव टू चूज बिटवीन बॉबी ब्राउन का फेस बेस एंड क्लिनिक का मॉइस्चराइजर, पर्टिकुलरली अगर मुझे फाउंडेशन के नीचे कुछ अप्लाई करना है, अगर मुझे मेकअप के लिए एक अच्छा स्किन केयर चाहिए, तो आई वुड गो विद बॉबी ब्राउन, ठीक है। बट अगर मुझे इन जनरल यूजली एक अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए जो कि बहुत लंबे समय तक हाइड्रेट रखे मेरी स्किन को, क्लिनिक फॉर श्योर। क्योंकि एक तो इसका जेल बेस्ड टेक्सचर है, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है ये किसी भी वेदर में मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से जाता है, डजेंट मैटर इट्स विंटर्स और समर या फिर ह्यूमिडिटी वाला वेदर, उसमें भी बहुत अच्छे से जाता है। बट जो फेस बेस है ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, हाँ, लेकिन अगर मैं बहुत मैटिफाइंग फाउंडेशन वगैरह यूज़ करती हूँ तो उसके लिए ये बेस्ट रहता है।
ना मैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ जो कि वायरल है इंस्टाग्राम के ऊपर. बहुत सारे लोग जो है इंस्टाग्राम के ऊपर इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं. मेकअप वीडियोस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं वो यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है. और उनमें सबसे एक बहुत ही ज्यादा कल्ट फेवरेट, सबसे पुराना और सबसे फेमस जो मॉइस्चराइजर आता है ना, वो आता है ये मैक का स्ट्रोब क्रीम. मैक स्ट्रोब क्रीम हाइड्रेंट ल्यूमिनस. अच्छा, ये है इन द शेड गोल्ड लाइट. ये स्ट्रोब क्रीम है. आजकल वैसे हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर भी आप लोगों ने देखा होगा, शार्लेट एल्ब्री का वो हॉलीवुड फिल्टर, ठीक है. बट मैं ना एक चीज मैंने मेकअप कर करके ये सीख ही है कि अब जितना मर्जी इसको अप्लाई कर लो, जब आप फाउंडेशन लगा लेते हो ना, तो कोई शीन, कोई ग्लो कुछ भी आपका नहीं दिखता है. तो इन माय ओपिनियन ये वेस्ट हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक है. हाँ, अगर आप बहुत डेली बेस के ऊपर मेकअप कर रहे हो जिसमें आप बहुत थिन कंसिस्टेंसी का बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फिर बहुत शीयर स्किन टिंट लगा रहे हो, तो ये वर्क करता है. अगर आप जैसे कि आज मैं यूज करने वाली हूँ चार में से मिलानो का फाउंडेशन, दिस इज लाइक वेरी फुल कवरेज, एंड उसको इसके नीचे अप्लाई करके मैं अपना प्रोडक्ट इतना महंगा है वो बिल्कुल वेस्ट कर रही हूँ. सो लेट्स टेक दिस. ओह माय गॉड, दिस इज सो एक्सपेंसिव, तो मैं इसको ज्यादा वेस्ट ऑफ कोर्स नहीं करूंगी. इसकी भी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है. दिस इज वेरी माइल्ड. यू कैन क्लियरली सी मेरी स्किन बहुत अच्छा ग्लो कर रही है. तो इसमें कोई शिमर पार्टिकल नहीं है. माई स्किन लुक सो जूसी. इनफैक्ट यू कैन सी एकदम हाइड्रेट भी हो गई है और कितनी अच्छी, मतलब एकदम नरिश्ड हेल्दी स्किन दिख रही है, ठीक है. एंड लुक एट दिस शीन ऑन माई हैंड, सी. सो ये शीन भी ऐसी है जो बहुत अच्छी लगती है. आई लाइक दिस इज माई पर्सनल फेवरेट स्ट्रोब क्रीम. अगर तो बजट का कोई बैरियर ना हो तो गो फॉर दिस प्रोडक्ट डेफिनेटली. बट अगर आप शीयर कवरेज वाले प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, ठीक है. ओके जी, अभी देखो मेकअप करने वाली हूँ मैं, तो मैं सबसे पहले तो अपना, अब मैं मेकअप रूटीन कंप्लीटली फॉलो करूंगी, तो मैं एक प्राइमर भी यूज करूंगी, ठीक है. फॉर प्राइमर आई हैव दिस स्मैशबॉक्स फोटो फिनिश कंट्रोल मैटिफाइंग सैलिसिलिक एसिड कॉम्प्लेक्स प्राइमर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये बहुत ज़्यादा वायरल, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है. इट्स लाइक वेरी कल्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ सो मैनी मेकअप आर्टिस्ट एंड सो मैनी इन्फ्लुएंसर्स, मेकअप इन्फ्लुएंसर्स. सो इसका ना मैं इतना क्वान्टिटी लूँगी. लुक एट दिस वेरी एक्सपेंसिव प्राइमर, बट ये प्राइमर बहुत सही काम करता है. I'll show you. Difference. Now you can see this side and this side. Even when you touch your skin after applying this, आपकी skin ultra smooth दिखती है, feel होती है. And this has salicylic acid, तो ये आपके oil को तक control करके रखती है. तो आपका makeup जो है of course long lasting हो जाएगा और फालतू की शाइन जो है वो आपकी स्किन के ऊपर नहीं आएगी. बहुत टाइम बाद ये चार में से का फाउंडेशन ट्राई करने वाली हूँ. बहुत ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट इसको ना रिकमेंड करते हैं. बहुत टाइम से पड़ा हुआ है. मैंने इसका रिव्यू बहुत पहले कर दिया था. आई नो जब इसकी हाइप वगैरह नहीं थी तभी मैंने इसका रिव्यू कर दिया था ऑलरेडी. एंड मेरे पास ये शेड है 06. एंड दिस इज CMC मैट फाउंडेशन. लेट्स अप्लाई दिस. द प्रॉब्लम विद दिस फाउंडेशन इज कि इसमें ना शेड काफ़ी लाइट है मेरे पास, एंड ऑल्सो इसका जो अंडरटोन है वो भी बड़ा भयंकर सा है. मैंने एक दो शेड्स ना मतलब ऑनलाइन चेक किए थे तो मुझे ऐसे लगा नहीं कि मेरा कोई शेड होगा, एंड दिस शेड इज लाइक कम्प्लीटली ऑफ. लुक एट द फिनिश एंड द कवरेज ऑफ दिस फाउंडेशन. दिस फील्स एब्सोल्युटली लाइट वेट ऑन योर स्किन. अच्छा, एक चीज मैं बताती हूँ, बहुत हैवी जो कवरेज के ऊपर फाउंडेशन होते हैं ना, यूजली वो बहुत हैवी फील भी होते हैं, बट दिस इज लाइक वेरी ब्रीदेबल, वेरी लाइट फीलिंग वाला फाउंडेशन. ठीक है, सी इंस्टेंटली दिस फील्स लाइक मैंने कोई फिल्टर, लाइक पेरिस फिल्टर आता ना इंस्टाग्राम का, बिल्कुल वैसा इसका स्किन के ऊपर फील आता है. तो दिस साइड इज लुकिंग वेरी नेचुरल, जो कि है यहाँ पे कुछ हमने अप्लाई नहीं किया है. तो स्ट्रोब क्रीम का इफेक्ट यहाँ पे तो है, बट यहाँ पे लाइट यहाँ पे पड़ रही है. बट अगर मैं हाईलाइटिंग इफेक्ट बात करूँ स्ट्रोब क्रीम की, तो वो अभी इतना ज्यादा नहीं है. सी इट्स ऑल अबाउट लाइटिंग. लेट मी स्विच ऑफ द लाइट. दिस लुक्स लाइक, सी विदाउट लाइट, सी
you can see the strobe, you can see the effect of the strobe cream यहाँ पे, but you can't see here. तो हमारा जो strobe cream है वो बिल्कुल, even this is the matte foundation, even this is like high coverage foundation, but still this is looking like my skin but better. ठीक है, so you can seriously buy this foundation this summer season में, क्योंकि आपको बहुत पसंद आएगा ये फाउंडेशन इफ यू हैव ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. अच्छा फाउंडेशन बताओ जो 7-8 घंटे तक 10 घंटे तक लॉन्ग लास्टिंग रहे, लॉन्जिटिविटी जिनकी इतनी हो, सो गो फॉर दिस वन. दिस एक्चुअली लास्ट ऑन योर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम. यहाँ पे रह गया तो यहाँ पे भी हम अप्लाई कर लेते हैं हल्का फुल्का सा ना, हेयर लाइन में भी ऐसे चला लिया करो. जैसे तो यहाँ पे हम ब्रॉन्जर यूज करने वाले हैं, बट स्टिल मेक श्योर कि एप्लीकेशन इवन हो. ओके जी, अब हम बात करेंगे कॉन्टोरिंग के बारे में. कॉन्टोरिंग, सो आई एम गोना यूज दिस हुडा ब्यूटी का फॉर फिल्टर कंसीलर. दिस इज इन द शेड बटर स्कॉच. ये डार्क कॉन्टोर लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बट बिकॉज ये आई थिंक 50% ऑफ के ऊपर मुझे मिल रहा था, दैट्स वाई मुझे मैंने ये खरीद लिया. एंड बिकॉज अच्छा, एक तो ये प्रोडक्ट भी बहुत 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 अच्छा है. ब्रॉन्जर और कंटूरिंग को ना अपने हेयर लाइन में जरूर लेके जाओ. सी सी कंटूर या ब्रॉन्जर हल्का सा चिन के ऊपर जरूर लगाती हूँ. यूज दिस न्यूड स्टिक्स का न्यूडीज मैट ऑल ओवर फेस ब्रॉन्जर कलर इन द शेड सनकिस्ट. यू गाइज ऑलरेडी नो दिस इज माई फेवरेट क्रीम प्रोडक्ट. यहाँ पे ब्लेंड दिस आउट, ब्लेंड 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 परफेक्ट. ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड आई एम गोना यूज दिस लाइट शेड का कंसीलर फॉर हाइलाइटिंग. फिल्टर कंसीलर अगेन हुडा ब्यूटी का इन द शेड ग्राम क्रैकर. यू नो इस कंसीलर की एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसका जो ये एप्लीकेटर है ना, दिस डो फुट एप्लीकेटर, इसमें एक ही बार में बहुत सारा प्रोडक्ट निकल के आ जाता है, तो आपको बार बार इसको यू नो करना नहीं पड़ता. See? जी हाँ, नाउ यू कैन सी. अच्छा ये कई बार ना नोज की जो मैं हाइलाइटिंग करती हूँ ना, टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती, मेरा नाक टेढ़ा लगने शुरू हो जाता. अच्छा ओवरली ना कंसीलर को ब्लेंड कभी मत करो. तो वो ना मैंने रियलाइज किया है कि जब मैं यू नो मैं भी अपने आप से सीखती रहती हूँ, समटाइम्स ब्रश के साथ किया ठीक है, हल्का फुल्का इसके साथ सीमलेस किया, उसके बाद बार 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 अगर मैं इसको करती रहती हूँ ना सेटल, तो मेरा ना कंसीलर मैंने देखा मूव होना शुरू हो जाता है, खत्म हो जाता है मेरी स्किन के ऊपर से. आपने अंडर आइज को सेट करने का भी एक तरीका है जिसके साथ आपके अंडर आइज के पास प्रोडक्ट जो है कंसीलर जो है वो, अगर आपके अंडर आइज ड्राई है तो और ड्राई ना हो और आपका कंसीलर बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, आपकी फाइन लाइंस में सेटल डाउन हो. अच्छा सबसे पहले तो मैं लेने वाली हूँ ये हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर. दिस इज बनाना ब्रेड इजी बेक लूज बेकिंग एंड सेटिंग पाउडर. ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपने पहले तो देखना कि जो आपने अप्लाई किया है कंसीलर वो कहीं ऑलरेडी क्रीज तो नहीं कर गया. दिस कंसीलर इज सो गुड, तो मेरे तो ये जल्दी क्रीज नहीं करता है हुडा ब्यूटी वाला. तो आपको क्या करना है, अपना लूज पाउडर लेके या कॉम्पैक्ट पाउडर लेके, यूजली मैं आई डू दिस स्टेप विद माय कॉम्पैक्ट पाउडर, बट आई डोंट वॉन्ट टू शो यू टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर वन थिंग. ठीक है, तो मैंने क्या किया इस लूज पाउडर के लिए, तो इसको ना मैंने यहाँ पे स्मूद आउट कर लिया, सेट कर लिया हल्का सा ऐसे लाइक दिस, जैसे हम कॉम्पैक्ट के साथ सेट करते हैं ना, जिस इस तरह से जस्ट अगेन हल्का सा इसको हमने सेट कर लिया. ठीक है जी, अब ये क्या हो गया, एकदम हमने पैक कर दिया इसको. नाउ हमने इसको सेट कर दिया, अब हम इसको पैक करेंगे. लाइक जो बोलते हैं ना बेकिंग बेकिंग शेकिंग, बेकिंग करने के लिए आपको हल्का सा पाउडर लेना है. एंड नाउ वी गोना लीव दिस पाउडर फॉर अ वाइल यहाँ पे लाइक सो. मैं यूजली क्या करती थी, डायरेक्ट जो मेरा कंसीलर रहता था ना
वहां पे इतना सारा पाउडर मैं छोड़ देती थी। सो रिजल्ट क्या आता था कि मेरी ना अंडर आइज, चाहे मेरी ऑयली स्किन है बट बहुत ज्यादा ड्राई ना ऐसे दिखने लग जाती थी। तो इसके ऊपर इसको ऐसे ऐसे चला लूंगी। लेट्स मूव ऑन टू पाउडर ब्लश एंड ब्रॉन्जर। एंड फॉर पाउडर ब्लश आई एम गोना यूज दिस माय फेवरेट टू फेस्ड का कॉम्पैक्ट टू फेस्ड का ब्लश, क्लाउड क्रश शेड में ब्लरिंग ब्लश। दिस इज अगेन वेरी वेरी ब्यूटिफुल ब्लश पाउडर। सी ब्लश, एक चीज बताती हूँ, पाउडर प्रोडक्ट लेके ना जब आपने क्रीम प्रोडक्ट अंडरनीथ लगाया हो ना तो ना उसको ऐसे डैब करो, ठीक है, स्वाइप मत करना ब्रश को, तो आपका जो नीचे का प्रोडक्ट है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स जितना मर्जी अच्छा महंगा हो वो मूव होना शुरू हो जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर जैसे मैंने क्रीम ऑलरेडी ब्लश लगाया हुआ था तो क्रीम ब्लश को मैं सोचू कि सेट करने के लिए, सो मुझे अपने पाउडर प्रोडक्ट को लेके यहाँ पे ऐसे डैब करना है। मैं इसको ऐसे नहीं चलाऊंगी ब्रश को, इस तरह से हमें डैब डैब मोशन में चलाना है, ठीक है जी। हल्का सा चिन के ऊपर मस्ट, इसके साथ ना ऐसे एक अच्छी नेचुरल सी लुक आती है। I'm gonna use this Too Faced का ही Longwear Matte Bronzer Soleil shade में। The shade is not exactly very good for my skin tone, but it's okay. Very natural bronzer. See again, bronzer भी जो है मैं powder bronzer, चाहे मैंने cream bronzer लगाया हुआ था उसको भी मैं brush को अच्छे से ऐसे dab dab motion में चला रही हूँ। यहाँ पे चला सकती हूँ, यहाँ पे मैंने नहीं अप्लाई किया, कर लेंगे। और अब मैं ये जो मैंने लूज पाउडर लगाया ना मैंने अंडर आइज के पास, इसको हम उड़ा देंगे। और बट उसके लिए आपको बहुत ही फ्लफी ब्रश चाहिए, लाइक दिस काइंड ऑफ फ्लफी ब्रश, दिस टाइप ऑफ सी, ठीक है। ये वाला ब्रश आपका बहुत डेंस नहीं होना चाहिए इस तरह से, सी दिस इज अ वेरी डेंस काइंड ऑफ ब्रश, ठीक है। फैन ब्रश भी यूज कर सकते हो आप, या फिर इस तरह से स्मॉल जो होते ना फ्लफी ब्रश, इस तरह से वो भी यूज कर सकते हो। करना ब्रश और अपने लूज पाउडर को यहां से डस्ट ऑफ कर देना है। ओके, नाउ लेट्स सेट होल थिंग जो हमने अप्लाई की है। सो आई एम गोना यूज दिस एयर ब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे फ्रॉम शार्लेट टिल्बरी। Eyebrows done. अब हम करेंगे आईज मेकअप, और मेरे दिमाग में एक आई लुक है जिसको मुझे करना है आज, एंड आई एम गोना यूज दिस मर्करी रेट्रोग्रेड फ्रॉम हुडा ब्यूटी, दिस आई शैडो पैलेट, लुक एट दिस। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आज मेरे दिमाग में जो आई लुक है वो काश हो जाए। एनीवेज चलो आज, क्योंकि मुझे पर्पल साड़ी पहननी है, एक रील शूट करनी है। सो सबसे पहले आई एम गोना यूज दिस शेड वोटेक्स, व्हिच इज दिस ब्यूटिफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर, एंड हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस तरह से। ब्रश ओके, तो अब मैं लूंगी ये वाला शेड विच इज दिस शेड हॉट मैस, दिस ब्यूटिफुल पर्पल कलर। ओके, एंड अगेन आई एम गोना यूज दिस शेड लिब्रा, वेरी ब्यूटिफुल लाइट लाइलैक शेड, ठीक है। सेम ब्रश के ऊपर लेके आई एम गोना ब्लेंड माय एजेस सर्कुलर मोशन में,
कोई भी लाइट शेड लेके ना, जैसे मैंने ये शेड लिया क्रैश, वेरी लाइट शेड, वेरी क्लोज टू माई स्किन टोन, इसके लेके हम फ्लफी ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर लेंगे एजेस को. टू मेक इट मोर सीमलेस, व्हाइट शेड सुपर मून, दिस रिफ्लेक्टिव व्हाइट शेड, इसको मैं अप्लाई कर लूंगी अपनी फिंगर के साथ. दिस इज वेरी ब्यूटिफुल पर्पल स्पेक्स. सेम ब्रश जिसके साथ छोटा सा फ्लफी ब्रश लेके वोटेक्स को ही मैं अपने लोअर लैश लाइन के पास अप्लाई करूंगी. ओके, मैं ना ब्लैक काजल लेके फिल कर लूंगी वॉटर लाइन में. सुपर फैन फैंड आउट मस्कारा. I'm gonna apply this lip gloss from Huda Beauty for filler, extra shine lip gloss in the shade Foxy, in the shade Posh. This is so pretty. Look at the bottle. And look at the applicator of this gloss. Oh. See, ये ना बहुत beautiful applicator है, बहुत useful. इसके दोनों side पे ना enough product आ जाता है, आपको बार बार नहीं करना पड़ता dig, and जिसकी वजह से ना product waste नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, so now let's apply this lip filler. माई फाइनल लुक गाइज. एक्चुअली मैं ना मतलब वीडियो को एंड करना भूल ही गई थी बिकॉज मैं रील्स बनाने लग गई थी. एंड ओके, सो दिस इज माई फाइनल लुक. यू कैन सी माई स्किन इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड सो ब्यूटिफुल. इट सीम्स लाइक कि मैंने कोई फिल्टर, कोई पेरिस फिल्टर लगा रखा है, बट दिस इज ओनली आर ब्यूटिफुल दिस फाउंडेशन. एंड या गाइज, देखो अभी 3-4 घंटे हो चुके हैं मुझे इस मेकअप को लगाए हुए, आराम से 3-4 घंटे हो चुके हैं. यहाँ पे बहुत गर्मी हो रखी है अभी बिकॉज ऑफ लाइट्स एंड फैन, एसी कुछ भी नहीं चल रहा है, एंड स्टिल यू कैन सी माई स्किन एंड माई फेस. आई मीन लुक एट दिस गॉर्जियस मेकअप लुक. सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड यस, मैंने अभी एक कॉमेंट रीड किया अभी जस्ट, कि तभी मेरे को याद आया कि मैंने वीडियो को एंड तो किया ही नहीं. तो मेरे को एक कॉमेंट आया कि फेंटी ब्यूटी के आप ड्यूप्स लेके आओ. डेफिनेटली फॉर श्योर नेक्स्ट वीडियो मैं वही बनाने वाली हूँ. फेंटी ब्यूटी के बहुत ईजी, बहुत अफोर्डेबल ड्यूप्स है हमारे पास इंडिया में. इजी मतलब इजी अवेलेबल, इजीली अवेलेबल एंड ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल ड्यूप्स वी हैव ऑलरेडी इन इंडिया. एंड या, टिल देन बाय एंड टेक केयर.